आशीर्वाद। प्रतिदिन रात को 8:30 बजे सोने से पहले की प्रार्थना और आशीष। आशीर्वाद। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, सोने से पहले हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, हम प्रभु के अधीन हो जाएं, ताकि प्रभु हमें संरक्षण दे, हमें अच्छी नींद प्रदान करें। आंखें बंद कीजिए। हे करुणामय पिता, प्रेममय पिता, भले और बुरे के पिता, हम सबको हमारे पापों के बावजूद प्यार करने वाले पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के संपूर्ण दिन के लिए। सुबह से लेकर इस समय तक के एक पल के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन कितना बड़ा वरदान है पिता, एक एक सांस कितने बड़ा वरदान है। उत्पत्ति ग्रंथ के 2 में हम पढ़ते हैं कि तूने आदम को मिट्टी से गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूका। आज दिन भर तू हमारे साथ भी यही कर रहा था, हमारे नथनों में तू प्राणवायु फूक रहा था, हमें जीवन दे रहा था, हमें शक्ति दे रहा था, हमें मेहनत करने परिश्रम करने के लिए ऊर्जा दे रहा था। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। हम इस समय तेरे सामने सिर झुकाते हैं, स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं, दुर्बल हैं, हमारे अंदर कई प्रकार के पाप हैं, दुर्बलताएं हैं, हमने अपने मन में, वचन में, कर्म में विभिन्न प्रकार के पाप किए हैं, पवित्रता के विरुद्ध, प्रेम के विरुद्ध, विश्वास के विरुद्ध, ना जाने कितने लोगों को हमने आज चोट पहुंचाई है। हे पिता, हम तुझसे माफी मांगते हैं। नबी होशिया के ग्रंथ की 6:1 में नबी कहता है, आओ हम प्रभु के पास लौटें, उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। इस रात के समय हम तेरे पास लौटते हैं पिता, हमें क्षमा करना, हमारे पापों के दाग और धब्बे को मिटा देना पिता, हमारे हृदयों को शांति देना। हम अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं आज की इस रात के समय, अपने परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, परिवार के एक एक सदस्य को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, परिवार के एक एक काम काज को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, धंधे को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, खेत खलियान को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। संभालना पिता, हमें संरक्षण देना, अंधकार की शक्तियों से हमें बचाए रखना। दुष्टात्मा चारों ओर कार्य कर रहा है। पेत्रुस अपने पहले पत्र के 5:8 में लिखते हैं, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है किसे फाड़ खाए। शैतान के हर प्रकार के प्रपंच से हमें बचा के रखना, हमें संरक्षण देना पिता, हमारे परिवार के हर एक सदस्य को संरक्षण देना, अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्मा से, शैतान के हर प्रलोभन और प्रपंच से, हर प्रकार की विपत्ति से, रोग से। हम अपने हृदयों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हमारे हृदयों को अपने प्रेम से भरना, अपनी शांति से भरना, हमारे हृदय भटक ना जाएं, किसी प्रकार के प्रलोभन में ना फंसें, हमारे हृदयों को शांति देना, शरीर को शांति देना, थके हुए शरीर को विश्राम देना, ताकि कल का दिन हमारे लिए नया बने, हम ताजगी के साथ, बड़ी उमंग के साथ एक नए दिन का स्वागत कर सके। सिर झुकाइए मेरे भाई और बहनों। प्रेमी पिता, अपना दाहिना हाथ इस समय तेरे बच्चों की ओर बढ़ा, उन्हें आशीर्वाद देना, उन्हें संरक्षण देना, उन्हें समय हर प्रकार के पाप के कलंक से छुटकारा देना, कल का दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। आशीर्वाद।